नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अभी बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एग्जाम में तीन टाइप्स में से कोई भी एक टाइप के ऊपर 110% क्वेश्चन आता है। एक टाइप होता है नॉर्मल टाइप, दूसरा टाइप होता है वर्ड प्रॉब्लम और तीसरा टाइप होता है फिटिंग। तो अभी नॉर्मल और वर्ड प्रॉब्लम इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओके, दोनों के लिंक आपको आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। एंड अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज फिटिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर। और ये जो तीन टाइप्स है एंड देन देयर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, उनके ऊपर अलग से वीडियोस बनेंगी। सो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। 7 कॉइंस आर टॉस्ड एंड द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेंड आर नोटेड, मतलब 7 कॉइंस टॉस किए गए और जितने भी नंबर ऑफ हेड्स है आए हैं वो नोट किए गए। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 128 टाइम्स एंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेंड। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 128 टाइम रिपीट किया गया और ये सारे नंबर्स हमें ऑब्टेंड पता चले। तो नंबर ऑफ हेड्स, जीरो नंबर ऑफ हेड्स सात बार आए, देन एक हेड 6 बार आया, दो हेड 19 बार आया, तीन हेड 35 बार आया और ऐसे। ओके, फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द गिवन डेटा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक पर्टिकुलर मेथड होता है और उस मेथड से आपको सम सॉल्व करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना पड़ता है। सो टोटल इसका अगर आप सारों का एडिशन करें तो आपको मिलेगा 128, राइट? सो अभी दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सही आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हमें आगे होने वाला है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अभी समेशन ऑफ एफ तो हमें पता है क्या होता है 128, और समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे करते हैं, ये एफ होता है और ये होता है एक्स। सो इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ऐसे आगे। तो अगर सबका आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 433, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 3.3828। ओके, सो अभी हमारे पास मीन आ गया और अभी हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो एनपी होता है। सो बेसिकली हमें पता है एनपी इज इक्वल टू 3.3828। नाउ 7 कॉइंस आर टॉस्ड, मतलब जो 7 है वो एन का वैल्यू है। ओके, सो अभी एन इंटू पी इज इक्वल टू 3.3828। सो इसका मतलब अभी 7 जो है वो उधर जाएगा, उधर गया तो अपॉन में चले जाएगा। सो दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.4832। ओके, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सो अगर ये डिवाइडेड बाय ये किया तो आपको मिलेगा 0.4832। सो अभी हमारे पास P का वैल्यू आ चुका है, हमारे पास N का वैल्यू आ चुका है जो है N, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7, जो है 7, एंड अभी हमारे पास Q का वैल्यू आना बाकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अभी हमें ये भी पता है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, अभी P का वैल्यू ये है, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो 1 माइनस 0.4832, सो 1 माइनस 0.4832 कितना होता है 0.5168, सो Q इज इक्वल टू 0.5168। ये कैसे आया, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, P का वैल्यू ये है, सो अभी P मैं उधर लेके गया, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो 1 माइनस P यानी कि 1 माइनस 0.4832 और 0.4832, 1 माइनस 0.4832 का आंसर ही आता है। सो अभी हमारे पास P Q N का वैल्यू आ चुका है। तो जब भी हमारे पास P Q N का वैल्यू आ जाता है हमें आग बंद करके वो तीनों के तीनों वैल्यूज उसमें डाल देने हैं, उस फॉर्मूले में डाल देने हैं। सो अभी मैं करता हूँ वो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये क्यों लिखा, अब आपको पता चलेगा। अब हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है, बहुत इजी है, कैलकुलेटर के मदद से सब हो जाता है। ओके, सो अभी यहाँ पे P x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 से हमें शुरुआत करनी है, फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की जगह पे सब 0 आएगा, सो 7c0 एंड 0.4832 रेज टू 0 और 0.5168 रेज टू 7 माइनस 0, दैट इज 7। ओके, सो 7 माइनस 0 लिख ही देता हूँ, ठीक है। सो अभी दिस इज फॉर 0, ऐसे ही हमें फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3, 4, 5, 6, 7 तक करना है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ।
अब मैंने बस उस फॉर्मूले के अंदर चीजों को डाला और यहाँ पे लिखा अगर x के जगह पे मैंने 0 डाला तो ये आता है, देन अगर x के जगह पे 1 डाला तो ये आता है 7c1, देन दिस रेज टू 1 एंड दिस रेज टू 7 - 1 दैट इज 6। वैसे ही 5, 7 माइनस अगर 7 - 2 डाला तो 5 आता है 4, 3, 2, 1, 0। ओके सो अभी हमें क्या करना है, कैलसी में ये फॉर्मूला एंटर करना है, ये फ्रॉम 7cx टू दैट लास्ट x। तो अभी ये कैसे करना है और ये प्रोसेस मैं बताता हूँ। कैलसी में हम सबसे पहले फॉर्मूला एंटर करेंगे एंड कैलकुलेशन के मदद से हम सारे चीज़ों का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम सारे को 128 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो उसका आप। सो गाइस ये हमारा कैलसी है, ये जो कैलसी है सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स स्टोर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व कर सकता है जो मैक्सिमम डिग्रीज के है। बाकी के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बस 3 मैट्रिक्स स्टोर कर सकता है और बस 3 डिग्रीज के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 4 मैट्रिक्स या 4 डिग्री के सम्स एग्जाम में आ गए, जो कि बहुत बार आते हैं, और अगर आपके पास एक कैलसी नहीं है तो आपको वो सम्स मैन्युअली सॉल्व करने पड़ सकते हैं जिसमें आपकी मिस्टेक्स हो सकती है। और अगर आप मैथ्स में आपकी मिस्टेक्स हो गई तो आपको पता है कि क्या होगा। सो अगर आपको कैलसी परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय अमेजोन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके कैलसी परचेस कर सकते हो। ओके सो अभी हम सम के ऊपर आते हैं। अब 7 और शिफ्ट NCR दबाएंगे, ये ऑप्शन है यहाँ पे, एंड x 7cx कैसे दबाएंगे, अल्फा x, एंड उसके बाद ब्रैकेट में 0.4832 एंड उसके बाद रेस टू अल्फा x एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन देना मत भूलना, ओके नहीं तो आपके एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो अभी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 0.5168 और उसके बाद रेस टू 7 - अल्फा x। सो अभी ये हमारा एक फॉर्मूला है। सो अभी हम क्या करेंगे, कैल्क दबाएंगे। कैल्क दबाने के बाद पूछेगा x का क्या वैल्यू है। सो हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे क्योंकि सबसे पहले 0 है, देन इज इक्वल टू दबाएगा। सो ये 0 का वैल्यू आ गया, मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू आएगा। ओके एंड नाउ फिर से कैल्क दबाएंगे। नाउ अभी x फॉर वी हैव टू कैलकुलेट x इज इक्वल टू 1। सो अभी मतलब जब x इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.06444। सो ऐसे ही हमें हर एक चीज़ के लिए करना है। फिर से कैल्क दबाएंगे, नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ये, देन फिर से कैल्क दबाएंगे फॉर x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ये, फॉर x इज इक्वल टू 4 वापस कैल्क दबाएंगे इज इक्वल टू ये, फॉर x इज इक्वल टू 5 वापस कैल्क दबाएंगे ये, ऐसे फॉर 7 तक हमें कैलकुलेट करना है। ओके सो अभी मैं वहाँ पर लिखता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कैलसी में इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आते हैं। अब एक बार ये वैल्यूज आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को 128 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब इसको आप 128 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 128 128 128 128 128 128 128, अब इतना तो आप कैलसी में कर सकते हो, लाइक दिस इंटू 128 इज इक्वल टू आंसर, दिस इंटू 128 इज इक्वल टू आंसर, दिस इंटू 128 इज इक्वल टू आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा। ओके सो अभी मैं आपको करके यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। तो जब आप इन सबको 128 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये सारे आंसर्स मिलते हैं। अब 128 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल 128 है। अब आपको इन सबको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। सो 1.26 इज 1, देन 8.24 इज 8, देन 23.13 जो भी है इज 23, एंड 36.04 इज 36 प्लस यहाँ पे 33.70 है, सो दैट वुड बी 34, और यहाँ पे 18.90 है तो यहाँ पे इट वुड बी 19। अब कैसे, अगर ये 5 के ऊपर है तो आगे का नंबर आएगा, और अगर ये 5 के पीछे है तो पीछे का ही नंबर रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 5 के पीछे का नंबर है तो यहाँ पे 23 रहा, और यहाँ पे 33 और यहाँ पे 5 के ऊपर का नंबर है पॉइंट के बाद तो 34 हो गया वैसे। सो और यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 1। ओके सो अभी इन सब का एडिशन करना है आपको। सो 128 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो जो भी यहाँ पे पूछा गया था बायनोमियल वो फिट हो चुका है। ओके अगर यहाँ पे 128 आया तो मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया तो ओके, और अगर यहाँ पे वैल्यू ये नहीं आया तो आपको क्या करना है, तो आपको एक बार चेक करना है कि अगर लाइक 23 पॉइंट अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मुझे आगे का नंबर लेना है पीछे का नंबर लेना है। तो अगर आपने आगे का नंबर लिया है और एक्यूरेट नहीं आया तो आपको एक बार पीछे का नंबर लेके देखना है कि एक्यूरेट आता है क्या। ऐसे 2 बार भी 5 आ सकता है, ऐसे 3 बार भी आप 5 आ सकता है, तो आपको एक बार एक करके देखना है। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं आया सो मैंने नहीं किया है, बट या 128 आ जाता है जनरली।
ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस सब्जेक्ट में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी सारे टाइप्स के सम्स हैं, उन हर एक टाइप के ऊपर एक एक एग्जाम्पल मैंने YouTube पे सिखाया है, एक एक एग्जाम्पल के ऊपर मैंने एक एक वीडियो बनाया है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके एग्जाम में जाओ। ओके सो अभी हर एक टाइप के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स या इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने नोट्स में सॉल्व किए हैं, और इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने मेरे फुल कोर्स में इस सब्जेक्ट के एक्सप्लेन भी किए हैं। और मेरे जो ये दो प्रोडक्ट्स हैं, नोट्स और फुल कोर्स, इन दोनों में मैंने इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व किया। मैंने इतने एग्जाम्पल्स सॉल्व किया कि अगर आप सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए तो आप आराम से 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट्स माय लाइक प्रॉमिस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट बाइनोमियल या पॉइजन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। सो अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स परचेस कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2020 में ऐसा हो सकता है कि हमारा फुल कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, सो आप इन दैट केस नोट्स परचेस कर सकते हो। नोट्स में भी मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सम सॉल्व किए हैं। ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को दे थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय अदर यूट्यूब चैनल कॉल्ड प्लैनेट ओजस, वहां पे आई मेक मोटिवेशनल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।